चलो ये सवाल में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज जो है आपका सातवां चैप्टर शुरू होगा, ठीक है रे। चैप्टर 7 है ना, इसका नाम कथी है त्रिभुज। यानी ट्रेंगल, ठीक है। चलिए हेडिंग बनाइए फटाफट। यह है आपका चैप्टर त्रिभुज। लिखेगा तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, लिखो भाई फटाफट लिखेगा। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? चलो दूसरा परिभाषा समझो और अब लिखना बंद करो। चलो दूसरा परिभाषा समझिए। दूसरा परिभाषा क्या कह रहा है? पहले ही बोला तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को, तीन भुजाओं की जगह तीन रेखाखंड भी कह सकता है ना, तीन को रेखाखंड भी कह सकता है। से मान लीजिए एगो ई रेखाखंड है, एगो ई है, एगो ई है, एगो ई रेखाखंड हुआ, एगो ई, इसको भुजा भी कह सकते हैं, ठीक है रे। एगो भुजा ई, एगो भुजा ई, एगो भुजा ई, तो बोला है ना तीन को भुजा से घिरे क्षेत्र को कथी कहते हैं त्रिभुज। अगला परिभाषा क्या है कि तीन तीन असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदुओं को, तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से, कथी से मिलाने से जो आकृति प्राप्त होता है या बनता है ना, उसे होता है, उसे कथी कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? आए चलो अब तीन असंरेख, संरेख और असंरेख समझो। ये है संरेख, आई है असंरेख, जरा से समझ लो। संरेख को संरेखी, असंरेख को असंरेखी भी कह सकते हैं। संरेख का मतलब हो गया कथी, लाइने पर, एक के लाइन पर बिंदु, ठीक है ठीक है। असंरेख का मतलब हो गया एक लाइन से हटके, कोई लाइन पर ना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ। जब तीन या तीन से अधिक जो बिंदु जो है एक एक लाइन पर रहेगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक एक लाइन पर रहेगा, उसको संरेखी बिंदु कहेंगे। और संरेख मतलब कथी, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक एक लाइन पर न रहे, ठीक ना, कहीं कहीं, तो बोला है ना तीन असंरेख बिंदुओं को, तो असंरेख मतलब तीनों कोई कहीं कहीं खींच दो, उसको मिलाओ, बना कृति से कथी बन गया। कहीं भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं, कैसे बना दो। अब कौन त्रिभुज है बात की बात, लेकिन त्रिभुज तो है। तीर असंरेख बिंदु को मिलाने से बना कृति को कथी कहेंगे? दूसरा परिभाषा समझ में आ गया। चलिए अब गौर से देखिएगा, त्रिभुज में भुजा तीन को, शीर्ष तीन को, कोण तीन को, हर चीज का क्या होगा? तीन तीन को होगा, ठीक है। शीर्ष क्या होता है? तो शीर्ष जहां पे दो भुजा मिलेगा है ना, जहां पे दो भुजा मिलेगा उसे शीर्ष कहेंगे। शीर्ष का मतलब होता है माथा। तो देखो तो ई हो गया, ई हो गया, एगो शीर्ष ई हो गया, यहाँ यहाँ एगो शीर्ष ई हो गया, यहाँ और यहाँ एगो शीर्ष ई हो गया। यानी आपसे शीर्ष पूछे, शीर्ष त्रिभुज में वर्टेक्स कै गो, तो तीन को हो गया है ना। आपसे भुजा पूछे, कथी पूछे भुजा, भुजा यानी साइड पूछे, तो साइड भी कै गो, एक दो तीन, एगो ए बी है, एगो बी सी है, एगो कथी है ए सी। आपसे कोण पूछे, कथी पूछे कोण यानी एंगल, एंगल भी कैगो तीन गो, एगो कोण ए, एगो कोण बी, एगो कोण सी, ये वाला कोण को बी ए लिखा था, कोण बी ए सी, कोण बी को ए बी सी, ए बी सी, जहां पे कोण बनता है उसको बीच में लिख सकते हैं ना, हाँ ए बी सी, या इसको ए सी बी, इसको कोण ए सी बी लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? फिर से वही बात, चाहेंगे ये कोण को बी ए सी लिखे ना, चाहेंगे सी ए बी भी लिख सकते हैं,
बीच में ना रहा सी ए बी ए ना रहा रे, इसको अभी लिखे ए बी सी, जरूरत पड़ेगा तो सी बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज समझ में आना चाहिए। बोलो यहाँ कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक लिखिए, उतारिए फटाफट। अच्छा एक चीज और लिख लीजिए, त्रिभुज के ये साबित कर दिया हम, साबित कर लिया ना रे पिछला चैप्टर में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण है ना, ठीक ना, या दो पूरक या कथी एक समपूरक, ऐसे भी कह सकते हैं, हटा दे सब, पूछ सकता है ना, दो समकोण होता है। चलिए इतना उतार लीजिए, चलिए भाई ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री अर्थात दो समकोण होता है ना, खड़ा होता खड़ा, समकोण कोण पीछे पढ़ाए थे ना, समकोण कोण का मतलब कितना होता है, कितना डिग्री होता है एक समकोण का मतलब, सम जैसे बोलो 90 डिग्री, ठीक है बैठो, तो दो समकोण मतलब कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक खड़ा हो तू, एक न्यून कोण का मतलब कितना है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब कितना होता है, न्यून कोण का मतलब खड़ा रहेगा, तू बताओ, हाँ एक से बताओ जल्दी बताओ, एक से 89 डिग्री है आस पास पहुंच चला, चलो तू बताओ भाई, एक से 79 तक, बताओ भाई न्यून कोण का मतलब बताओ, तू बताओ, हाँ 0 से 90 डिग्री के बीच वाला कोण को कथी कहेंगे, न्यून कोण, यानी इसका मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर कितना 90 डिग्री के बीच, ठीक ना, समझा, ये हो गया न्यून कोण, यानी 45 डिग्री 60 डिग्री 89 डिग्री, ठीक ना, 88 डिग्री है ना, 85 डिग्री भी कथी होगा न्यून कोण होगा, चलो तू बैठो खड़ा हो जा भाई, नेक्स्ट समकोण बता दो, ये एक नंबर हो गया समकोण, पहला समकोण बता दो, समकोण कोण का मतलब बताओ, कितना से कितना, कितना डिग्री होगा समकोण का अर्थ बताओ, अभी पूछे कोई से, ले अभी तो इसको धो देते अच्छा से, कितना डिग्री, बैठ, समकोण का मतलब कितना होता है, बैठ जाओ, बैठो अंतिम में धोएंगे, बैठो 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 बैठो, चलो भाई खड़ा हो जाओ, अब तीसरा बच गया कथी, अधिक कोण, अधिक कोण याद होना चाहिए, अधिक कोण याद होना चाहिए, क्योंकि अभी इसका काम है, त्रिभुज को जब कोण के आधार पर बांटेंगे ना ये काम देगा, अधिक कोण का मतलब कितना होता है, 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच, जो कि 100% गलती है, खड़ा जा भाई, बैठ जाओ, अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, खड़ा जा भाई, अधिक कोण का मतलब क्या, ध्यान रखना कौन कौन खाली जवाब नहीं दे रहा है सर, सबको धोएंगे अभी, अधिक कोण का मतलब कितना होता है, ये आप गलती है, अरे नहीं बताना है दोबारा, दोबारा मौके नहीं है, खड़ा हो बता जल्दी, यह कथी रिविजन कर रहा है, खड़ा रहो तू बोल ही नहीं रहा है, दही मुंह में जमा लोकड़ा लड़का है, खड़ा भाई बताओ अधिक कोण का मतलब क्या है, कितना 160 डिग्री, 160 डिग्री अधिक कोण का मतलब, वाह कहाँ से आता है सब पढ़ पढ़ के, सब कोण बताए थे, 4-5 तरह के कोण बताए थे, 6 तरह के, तब तय हो जाते, बताओ भाई याद नहीं है, तू बताओ 360 डिग्री गलती है, बताओ 90 डिग्री, हाँ चलो भाई ऊषा बताओ, 0 से लेकर 90 डिग्री, यही कथी लिखा ली, न्यून कोण होगा, अनरे है का सब, खड़ा जा भाई बगल वाला, बैठो बैठो बैठो, खाली ध्यान रखना सब यहाँ से मार खाए, बोलो भाई, हाँ 90 डिग्री मतलब होता है समकोण, ठीक ना, 90 डिग्री ना बोला है तू, हाँ तो खड़ा रहो तू, तू उधर है पढ़ पहले, उदसा वाला पढ़ रहा है ना तू, हाँ थोड़ा सा कहीं बताइले है थोड़ा सा पूछ देते हैं, लेकिन चलो भाई खड़ा जा, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के वैल्यू को हम लोग कहते हैं कथी, अधिक कोण, चलो तोरे से शुरू करेंगे, रिज्जु कोण का मतलब बताओ, रिज्जु कोण बताओ इसका मतलब, अभी सब पूछ लेंगे, चलो खड़ा रहो बैठ जाओ, कितना होगा रिज्जु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है खड़ा हो जा रे,
चलो पूरा कोण का मतलब बताओ, पूरा कोण का अर्थ बताओ, पूरा कोण, पूरक कोण बताओ, पूरक कोण का मतलब क्या थी, पूरा कोण में क्या कोण होता है, पूरा कोण में क्या कोण होता है, पूरा कोण में क्या कोण लेते हैं हम लोग, खड़ा रहो, पूरा कोण में क्या कोण लेते हैं, दो गो दोनों का, अभी ना बोल रहा है तो खड़ा रहो, खड़ा रहो, पूरा कोण में दो कोण लेते हैं, सही बात है तो खड़ा रहेगा, पूरा कोण में क्या कोण लेंगे, दो गो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, खड़ा रहो, खड़ा रहो, 90 डिग्री, उपाय नहीं है, दोबारा उपाय नहीं, पूरा कोण में दो कोण लेंगे दोनों का वाली कितना होगा, 90 डिग्री, तू खड़ा रहो, दोबारा उपाय नहीं होगा, यानी पूरा कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग, ठीक ना, मान लो कि एक्स प्लस का दे ले वाई कितना देगा 90 डिग्री, ठीक ना, चलो ये पूछ देगा यदि पूरा एगो पूछ देगा तो कथी करेंगे 90 में से इसको कथी करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना, समझा, दूसरा मतलब एगो पूरा कोण पूछ रहा है तो उसको कथी 90 में से घटा देंगे, ठीक है, छठा नंबर इधर लिख रहे छठा, ठीक है, संपूरक नहीं दोबारा मौका कोई दिए संपूरक कोण, संपूरक कोण कोई के जब मौके न दे तो तुरा कैसे दे, संपूरक में तू बता संपूरक में दो कोणों का योग कितना, 180 डिग्री, हाँ यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री, दूसरा पूछ रहा है तो कथी करेंगे 180 में से हटा देंगे, युवा संपूरक इसे कौन ना पढ़ाए, पढ़ाए कि नहीं, टकाटक टकाटक ऐसे लिखेगा छो लाइन से लिखेगा, लेकिन ये तीनों भी जरूरी है, ये तीनों भी जरूरी है, जल्दी फटाक सीमन लिखो, फटाक सीमन लिखो, हाँ हाँ फटाक, हाँ सुनो ये सब लिखेगा अभी आ घेर लेगा, ठीक ना, लिख ले है ना भाई, लिख ले है ना, लिखने के बाद कथी करेगा, हेडिंग वो बना ले, बना लिया ना हेडिंग, हेडिंग बना लिया है, चार पांच लाइन बनाने के बाद, चार पांच लाइन कथी बोलते, चार पांच लाइन जो है, चार पांच लाइन कथी बोल देते हैं, हाँ छोड़ के इसको बना लो हेडिंग, चार पांच लाइन छोड़ के इस छो लिख लो आ घेर लो इसको, आ लातूरे से शुरू करते हैं, जवाब नहीं दिया है आ जाके जो है एकदा कौन चैप्टर रेखा एवं कौन चैप्टर रिविजन, रिविजन का क्या आएगा, ठीक ना, रिविजन का क्या आएगा, चलो ये बताया, हाँ लाओ इधर लाओ, ला 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 ले इधर, ये बताया था नहीं बोला था, ये ले लाओ भाई, याद करके, याद करके आओ, इधर कौन है, इधर इधर, हाँ उधर, चलिए सर लीजिए सर, हाँ ये तो कहिए सुनावे नहीं किया, हाँ चलिए पहले वाला ने सुना ना दे तो कि ना बदल हां हां चलो चलो उतारो उतारो चलिए हो गया ना आ लिखिएगा सब अरे कखनी मिटा दिए हाथ से मिट गया ना हाथ से मिट गया ना समबाहु त्रिभुज लिख लेते समबाहु त्रिभुज कथी कर दिया रे चलो लिखेगा परिभाषा लिखे इसको देखो एक चीज समझो पहले एक चीज समझो सम एगो होता है विषम एगो है दुई तीन गो चीजें है सम का मतलब होता है बराबर इसका मतलब क्या होता है सम का मतलब क्या रे बराबर विषम का मतलब बराबर नहीं आ दुई का मतलब दो आ बाहु का मतलब होता है भुजा बाहु का मतलब तो जैसे पूछेंगे अर्थ बताना सम का मतलब क्या होगा सम का मतलब हाँ बाहु का मतलब ठीक है दुई का मतलब आ विषम का मतलब बराबर नहीं तो देखो यहाँ पे पहला त्रिभुज कथी है भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तो पहला त्रिभुज कथी है समबाहु त्रिभुज यानी समबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जेकर सब भुजा कथी हो बराबर हो है ना सम द्विबाहु यानी सम आ दुई आ बाहु सम मतलब बराबर दुई मतलब दू आ बाहु मतलब भुजा तो वैसा त्रिभुज जेकर दू गो भुजा कथी हो बराबर हो कोई दू गो भुजा बराबर हो वैसे आ विषम बाहु विषम मतलब बराबर नहीं होता है तो वैसा त्रिभुज जेकर कोई भुजा बराबर हो गया तीन गो त्रिभुज समझ में आ गया हाँ भुजा के आधार पर त्रिभुज हम लोग बांटे तीन तरह के होगा भुजा के आधार पर अब जो है एक नंबर जो है हम लोग पढ़ रहे हैं कथी समबाहु त्रिभुज तो लिखेगा वह त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा लिखो चाहे प्रत्येक भुजा लिखो जिसका सभी भुजा कथी हो सभी भुजा बराबर हो कथी कहलाएगा छोड़ देता है यहीं पे
शॉर्ट में लिखे वैसा टेबल जिसका सभी भुजा का थी वो बराबर कथी कर लाएगा कला इसी से कर रहा है इसी से कर रहा है क्या दिक्कत समझ में आ जाएगा ना वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा का थी वो बराबर कथी कर लाएगा इतना पर समझ जाओगे चलो आगे लिखेगा जैसे समझो यहाँ पे अब समझिए बुआ सा मान लीजिए ये को त्रिभुज है इसमें कथी बोला है वह त्रिभुज जिसका सभी भुजा कथी हो बराबर तो सब भुजा बराबर तो मान लेते हैं कि ए बी ले लिए 5 सेंटीमीटर चाहे 5 मीटर 5 सेंटीमीटर मान लो ए बी ये 5 सेंटीमीटर है तो कितना होगा सेंटीमीटर और ये कितना होगा समझा रहा है यानी अच्छा मान लो कि इसको हम ए मान लिए कथी मान लिए तो ये कितना होगा ये कितना होगा समझा गया ना लिख सकते हैं ए बी बरोबर बी सी बरोबर ए सी ऐसा को कथी मान सकते हैं हम लोग समझ आ गया अब यहाँ पे देखना जब सब भुजा बराबर है और चूंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है सब बच्चा जो पढ़ रहा है सब ध्यान यहाँ बोर्ड पर रखेगा हम लोग जानते हैं कि सब भुजा इसमें बराबर है ना तो एक चीज समझ भुजा के जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है इसके सामने ये है इकोन 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 ठीक है सब कोण भी इसमें कथी होगा बराबर होगा तो चूंकि सब कोण बराबर होगा हम जानते हैं इसमें टोटल कोणों का कितना था 180 तो कितना कितना अथी करे कि तीनों का मिला के 180 हो जाएगा बराबर हो रहा है तो 60-60 दिमाग लगा लो ठीक है तो लिखेंगे हम लोग समबाहु हाँ समबाहु है ना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण या सभी कोण ना प्रत्येक कोण 60 डिग्री कथी 60 डिग्री का होता है कोई दिक्कत जैसे कोण ए बरोबर कोण बी बरोबर कोण सी बरोबर कितना 60 डिग्री ठीक है बोले यहां तक कोई दिक्कत हाँ तो दो नंबर हेडिंग बनाइए समद्विबाहु त्रिभुज नहीं लिखा है का आए नहीं लिखा है चलो एक बार लिख लेना ध्यान रखो अब एक के बार लिख लेना बुआ अरे ध्यान रखो नहीं कथी कलम कलम खेल रहा है अभी एक डाटे है ना तो लगने से बचा है ना तू कथी बोल लगने से बचा है ना तुमको खिलवा दे कलम कलम तुमको हम तू लड़का है एक साथ खेल रह रहा है इसको बेकार में ही बच में बोला रहे इसको तो अथी दूसरा क्लास में पढ़ाना चाहिए हमको हमेशा लड़का लिखा करते रहता है चलो भाई क्या लिख सकते हैं परिभाषा क्या तो वह त्रिभुज क्या बन सकता है अभी आप लोग त्रिभुज का हम परिभाषा नहीं बना रहे तुम लोग बनाओ क्या हो सकता है वह त्रिभुज बताओ क्या हो सकता है हाँ वह त्रिभुज जिसका हाँ जिसका कोई दो भुजा लिखो जिसका कोई दो भुजा कथी हो बराबर हो बराबर कथी कहलाता है समबाहु लो कथी कहलाएगा समद्विबाहु होगा ठीक ना अच्छा ये कोई राक्षस के नाम है आय ले हाँ लो ये राक्षस के नाम है मान लीजिए इसमें कोई को दुगो भुजा बराबर हो सकता है ठीक है कोई दुगो भुजा बराबर हो सकता है मान लेते कि ए बी बराबर कथी के एसी के हो सकता है ए बी एसी बराबर ना हो के दे दे ए बी और बी सी बराबर दे दे कोई दुगो दे सकता है बराबर ठीक है ना तो लिख सकते हैं हम लोग ए बी बराबर कथी यहाँ पे एसी ठीक ना मान लेते हैं बीसी चलो रहने दे बीसी बराबर नहीं दे ले तो कैसे दुगो ने भुजा को लेगे आए इना लेगो तो इसके बराबर ले लेंगे इना लोगे तो इसके बराबर ले लेंगे समझा रहा कोई दुगो भुजा बराबर हो सकता है जरूरी नहीं कि यह बराबर होगा ठीक है बोलो समझ में आया रे चलो अब एक चीज ध्यान रखना आगे हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे कि जो भुजा बराबर होता है ना उसके सामने वाला कोण भी कथी होता है बराबर चलो तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में कथी में समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में है ना बराबर वाले समान समान लिखे बराबर समान एक ही होता है ना समान भुजाओं के समान समान भुजाओं के सम्मुख कोण कथी सम्मुख कोण समान होता है कथी होता है सम्मुख कोण समान होता है नहीं समझा
कथली के समबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण कथी होता है समान होता है अर्थात अर्थात क्या होगा यानी समबाहु त्रिभुज में सॉरी समबाहु लिखे समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में कथी होगा भाषा लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के यानी बराबर भुजाओं के सामने वाला सम्मुख मतलब कथी सामने सामने वाला कोण भी कथी होगा समान होगा ठीक है समझा यानी जो भुजा बराबर लेंगे उसके सामने वाला कोण भी कथी हो जाएगा बराबर समझ में आ गया ना हाँ जैसे मान ली दोनों भुजा बराबर है इसके सामने कौन सा कोण है ई वाला कोण है इसके सामने कौन सा कोण है ई वाला कोण है यानी कह सकते कोण बी या कोण सी कथी हो गया बराबर हाँ गुड कोण बी बराबर हो जाता है कोण सी समझ आ गया ना हाँ अच्छा बता दो तो ई दे दिया है हमको 80 डिग्री ये कितना दे दिया है तो बात कह रहे हैं अभी नहीं लिखेंगे इसमें बताओ ई दे दिया कितना 80 डिग्री दे दिया कितना दे दिया है 80 तो ये कितना होगा खाली बी बताओ आज वो पागल है तू सब महा पागल है तो ये दोनों को छोड़ दो महा पागल है पागल के चलो बाकी बस सब बताओ ये 40 हो गया समझ में आ गया ना ये भी कितना होगा अरे हम बताए जैसे कि ठीक ना ऐसा समझो क्या बोला है कि कौन बी या कौन सी समान होगा कैसे समान होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है जो भुजा बराबर होता है उसके सामने वाला कौन भी बराबर तो ई दोनों बराबर होते इसके सामने वाला ई कौन इसके सामने वाला ई कौन है ना सामने नहीं दिख रहा है ये दोनों बराबर हो गया तो ये 80 दे दिए तो दिमाग लगाओ तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 तो दिमाग लगाओ कि जब 80 दे दिया है कितना दे दिया है 80 40 कोई बोला है 40 नहीं होगा ऐ सुनो ये 80 दे दिया है ना अब दोनों मिला के हमें कितना पुराना है 100 गो हमें 180 हुआ तो 50 होगा ये भी कितना होगा हम ही खाली पूछे थे समझा ना कोई 40 बोल दिया बकला हाँ सब पागल है नहीं बोला है बाद में बोला है हाँ तू निम्मन है सब आदमी ओकरा से पढ़ो ये कितना हो गया 50 ये भी कितना होगा समझ में आया रे आई बीच बीच में पूछते रहेंगे ठीक है ना चलो ठीक है ना यही पूछे थे ठीक है चलो ठीक है आए आगे क्या करना है अभी आगे आपको एक मान लेते कि संभाव त्रिभुज है ठीक है रे कथी है मान लो पी क्यू आर कथी है संभाव त्रिभुज मान लीजिए ई दोनों बराबर है क्वेश्चन अभी लगले हो जाए तो अच्छा रहेगा ना आए और भाई साहब इसमें गिवन है मतलब ये दे दिया है कितना है ये दे दिया है आपको 100 डिग्री दे दिया मान लो 100 डिग्री दे दिया कितना दे दिया है तो आपसे पूछे ये वाला कौन कौन आर बताइए कितना हो जाएगा कौन आर पूछेगा तो 40 ये भी कितना हो जाएगा क्योंकि दोनों का थी है बराबर होगा ठीक है ना समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु है समझ में आ गया ना तो हम जिस कलम मतलब कलम जैसे चेंज करके लिखे वैसे आप लोग लिखेगा ठीक है इसको उतारे तो एक बार बचा ले कौन सा विषमबाहु उसके बाद जो विषमबाहु पढ़ने के बाद जो हम लोग कौन के आधार पर त्रिभुज को बांटेंगे जल्दी उतारिए फास्ट थोड़ा उतारेगा चलिए ये हो गया अब जो है हम लोग हेडिंग बनाएंगे थर्ड नंबर विषमबाहु त्रिभुज हेडिंग बना भाई विषमबाहु त्रिभुज हेडिंग बना सब परिभाषा लिखो तो खुद से क्या लिखोगे वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो है ना हम तो बना देते हैं थर्ड नंबर देखिए परिभाषा वह त्रिभुज विषमबाहु बना देते हैं विषमबाहु वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर न हो हो गया रे परिभाषा है ना उसे कथी कहेंगे वही कहेंगे ना रे वही कहेंगे ठीक है चलो फिगर देखें देखो विषमबाहु का फिगर देखो अब कोई भुजा बराबर नहीं है जैसे तैसे हो सकता है कोई भुजा बराबर दिख रहा है इसमें आए ए बी सी कैसे बना सकते हैं कोई भुजा बराबर लिख सकते हैं बराबर नहीं है ए भी बराबर नहीं है कथी के बीसी बराबर नहीं है कथी के एसी यानी तीनों में से कोई बराबर नहीं है हो गया उतार लो भाई चलिए
सब आदमी ध्यान दीजिए, आप कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं हम लोग, कथी के आधार पर? हाँ, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो अभी तक जो है हम लोग त्रिभुज के प्रकार दो तरह के देखे, यानी पूछा त्रिभुज का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, दो तरह के देखे, एक तो देखे भुजा के आधार पर, एक देखे कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर पढ़ लीजिए, कोण के आधार पर आप पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहला है बनाइएगा, तीन को होता है समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण को कैसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और इसको अधिक कोण को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है? समझ लो, परिभाषा बड़ा आसान है। वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का थी वो समकोण, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण का थी वो समकोण, उसे वही कहते हैं यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का थी वो न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण का थी वो न्यून कोण, ठीक है ना? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब कथी है, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कथी हो अधिक कोण हो, अधिक अधिक हो कथी मतलब कथी अधिक हो, अधिक कोण हो कि अधिक हो करा, अधिक कोण पढ़ाए ना अभी, न्यून कोण पढ़ाए ना अभी, फिर कैसे बोलते हैं समकोण के बारे में भी बताएले हैं, पढ़ाए भी है अभी बताएले, रेखा एवं कोण चैप्टर अच्छा से पढ़ा है, जाके देखो वहां पे, जब तक जोड़ ना तो भाग अथी कथी गुना ना सीखबे, घटाओ ना तो तब भाग न सीखे, इसलिए एक एक चीज सिखाते हैं चैप्टर वाइज, उसको जाके रिवाइज करते रहो, न तो दिक्कत में पड़ जाओ, ठीक है? एक नंबर हेडिंग बना लो सब, समकोण का बना लिया हम तो बना ले है, चलो तुझसे इंग्लिश लिख ले तो अच्छी बात है, हम ना लिखेंगे, चलिए परिभाषा लिखेंगे हम लोग, ठीक है? लिखेगा क्या बोले थे, वह त्रिभुज, वह त्रिभुज है ना जिसका कोई एक कोण कथी हो, कोई एक कोण कोण कथी हो बुआ, समकोण हो, कोई एक कोण समकोण हो कथी कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब राइटिंग स्टॉप करो, लिखना नहीं है, ध्यान दो पूरा एकदम। यहाँ हम बोले हैं वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कथी हो समकोण हो, मिटाया फेंक दिली कहीं, अब पूरा समझना गौर से, नहीं समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पेट निकल लिखा कैसे बन गया भाई, ठीक है? सीधा बन रहा है ना, आए सीधा बन रहा है ना, देखो यहाँ पे यही से ही बना सकते हैं। और भाई ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना? हम मीरा फिरा भी नहीं पढ़ा रहे थोड़ा सा, ठीक है? ये भी समकोण, दोनों समकोण हो गया। तो समकोण त्रिभुज बताने के बाद, वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कथी हो समकोण, तो ये वाला कोण कथी है समकोण, इसका मतलब होता है 90 डिग्री समकोण हो गया है ना, तो हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है? ए बी क्योंकि आपका समकोण त्रिभुज, ठीक है? ध्यान रखना, अब यहाँ पे समकोण यानी 90 के सामने वाला, सुनो एक सुन लो भाई, छोड़ो वो अलग पढ़ाएंगे, बता दे कैसे बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, तो इसके सामने वाला जो होगा कर्ण, ठीक है ना? यानी हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ठीक है? कैसे बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक ना? देखो आधार कोई हो सकता है, कर्ण कोई हो सकता है, ठीक है? मान लेते अभी आधार ही है, हैं? आधार को हम लोग बोलते हैं बेस, कथी बोलते हैं, ठीक ना? और भाई साहब बस या से लम यानी परपेंडिकुलर, कथी बोलते हैं, ठीक है? रे तो समझ में आ रहा है कुछ? रे तो शॉर्ट में इसको कथी बोल देंगे हम लोग, एच इसको बी, इसको ए पी, पी समझ में आ गया ना? आए ठीक है, एक चीज समझ लो, कर्ण जो है किसके सामने वाला होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला कथी होगा, बाकी बच जाता है से और लंब, आधार और लंब कंफर्म कब होंगे, जब कोई कोण देले रहेगा तब, समकोण के अलावा जब कोई कोण देगा तभी हम लोग आधार और लंब के लिए कंफर्म होंगे, ठीक ना? हमेशा ये कर्ण तो हमेशा कंफर्म में रहता है, कर्ण हमेशा कंफर्म रहेगा, ठीक है? कहाँ देख रहा है ओकरा हम घिए मरेंगे तबड़क, समझ में आ जाएगा बाकल लड़की, तोरे बोले उषा कुमारी क्या कर रही है, बोर्ड पर ध्यान दो, अभी कॉपी देख रहा है। कर्ण के लिए हमेशा हम कंफर्म रहेंगे कि 90 डिग्री सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, सिंपल सी बात है, बाकी बच जाएगा से
लंबा धार, तो लंब और आधार कन्फर्म कम हो गए जब कर्ण सॉरी समकोण के अलावा कोई और एंगल दे। जैसे मान लीजिए इसमें मान लेते हैं कि ई वाला एंगल दे दिया, ई वाला एंगल दे दिया, ई एंगल दे दिया थीटा, कथी दे दिया है थीटा, ठीक है ना। तो ई एंगल दे दिया ना, तो जो कोण देता है उसके सामने वाला होता है लंब, जो कोण देता है उसके सामने वाला कथी होता है, और जो बढ़ जाता है वो कथी देता है, जो ना दे ले दे ही नहीं तो कथी हो गया आधार, ठीक है। तो कोण दे ले रहेगा उसके सामने वाला होगा कथी लंब, और बच जाएगा से आधार, क्योंकि इसका सियोर हो गया, इसका सियोर हो गया कब, जब कोण देगा, जब कोण देगा तब किसका भी सियोर हो जाएगा तो लंब का भी सियोर हो जाएगा। तो बताओगे इसमें बताओगे तुम लोग, चलो मान लेते हैं कि ई वाला एंगल जो है ई जो ई एच होगा कर्ण है ना गरे, आए ई वाला एंगल दे दिया तो परपेंडिकुलर कौन होगा यानी लंब कौन होगा, ई वाला होगा, यानी इसको पी लिखे क्या, ई हो गया बी, तो बी और पी चेंज होते रहेगा, कोई दिक्कत, समझा गया ना, या तो कोई दिक्कत। आइए तो अब यहाँ पे लिख लिख सकते हैं हम लोग कौन सा कथी है, समकोण त्रिभुज है ना रे, इसमें कोण बी बराबर कितना हो गया, दिक्कत आए कर्ण इस तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कर्ण में सॉरी कर्ण बोले समकोण त्रिभुज में कथी देगा, समकोण त्रिभुज में एक चीज ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में कथी में समकोण त्रिभुज में हमेशा जो लंब कथी कर्ण होगा ना, कर्ण कर्ण कथी कर्ण कर्ण बोले तो कथी ए भी है इसमें नाम कर्ण का, तो ये हमेशा बड़ा हुआ किससे, तो लंब और कथी से आधार से, लंब कथी हो गया भाई लंब लंब, इसमें ए भी है, ए भी है सॉरी इसमें कर्ण तो एसी ना था, ठीक है। तो कर्ण हमेशा कथी से बड़ा होगा, लंब से और कथी से आधार से, ठीक ना, लंब से और क्यों ध्यान रखना, इसको शॉर्ट में कथी बोलते हैं एच बोलते हैं, है ना भाई, कर्ण को एच बोलते हैं, और ये यहाँ पे कथी है ए बी, क्या है ए बी परपेंडिकुलर है, और बीसी क्या है आपका बीसी, बीसी बेस है, ये समझ में आया कुछ हो, ये समझ में आया कुछ हो, ये हम क्या बता रहे हैं कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है कथी से, लंब और आधार से, ठीक है, लंब और आधार से। अब हम क्या समझा रहे हैं, जो जो पॉइंट समझा रहे हैं उसको समझते चलो, न तो बस दिक्कत हो जाएगा आगे साबित करने की, जब बारी आएगा तो आगे साबित करेंगे हम लोग, लेकिन अभी समझते चलो। एक जगह हम कह रहे हैं कभी कभी क्या देगा, कभी कभी क्या देगा, रुक जाएगा तो ठीक है ना, फोन आ रहा है, इतना उतारो तब तक, चलिए जो लिखा ठीक है, नहीं लिखा वो ध्यान दो। अभी तक हमने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में जो कोण समकोण होगा उसके सामने वाला कथी होगा, बताओ सब बोल के, जो कोण मतलब समकोण होगा उसके सामने वाला भुजा कथी कहलाएगा, जोर से बोलो कथी कहलाएगा, समकोण कहलाएगा, लो कथी कहलाएगा रे, यानी समकोण वाला जो कोण होगा उसके सामने वाला भुजा होगा वो कहलाता है कर्ण, और बाकी जो कोई एंगल दे दे, कोई भी कोण एंगल मतलब कोण, बाकी कोई एंगल दे दे यानी कोई कोण दे दे, थीटा दे दे, ए दे दे, बी दे दे, कुछ भी नाम दे सकता है, तो उसके सामने वाला हो जाएगा लंब, अब बच जाएगा से हाँ, कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा, चेंज होते रहेगा लंब और आधार। जैसे इसमें देखो समकोण के सामने वाला कर्ण तो ही है, आधार अभी देखो आधार अभी ई हो गया और लंब ई हो गया, तो आधार लंब कथी होगा हमेशा चेंज होते रहेगा, कर्ण चेंज न होगा। और क्या हमने बताया कि कर्ण के कर्ण जो होगा हमेशा लंब से आधार से क्या होगा, बड़ा होगा, कर्ण हमेशा लंब से और कथी से आधार से, कर्ण हमेशा लंब से और कथी से आधार से कथी होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब आगे देखो कभी कभी क्या होगा, आपको समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा कथी दे देगा, दो गो बराबर दे देगा, हाँ दो गो भुजे कथी दे देगा, है ना, याद करो तो दो गो भुजा बराबर किस त्रिभुज में पड़े थे बताओ जरा, दो गो भुजा अभी तक बराबर हम लोग किस त्रिभुज में पढ़े थे, समधि, हाँ समधि बाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे कि दो गो भुजा कथी होता है। अब क्या कर रहा है कि समकोण में भी कभी कभी दे देगा कि दो गो भुजा कथी है, बराबर है, अब उसको क्या कहेंगे भाई, तो हो गया अलवत राय लेखा बात, ठीक है। कैसे पता चलेगा, एंगल ना दे रहा है, खुद एंगल एंगल दे देगा, खुद कौन दे देगा, कौन नहीं दे लेगा तो लंब आधार कोई भी मान सकते, कौन नहीं दे लेगा तो लंब आधार कोई मान सकते, कौन जैसे समकोण के अलावा कोई कौन देगा, तो कौन जो देगा उसके सामने वाला होगा पी यानी लंब हो गया, और जो बच्चा से कथी हो गया आधार, क्योंकि समकोण तब पहले ही फिक्स, समकोण के सामने पहले ही कर्ण फिक्स है, हाँ तो कौन ना रहेगा तो कोई लंब कोई आधार, ठीक है ना, बोलो समझ में आया, आए आ जाओ। अब हम कथी कह रहे थे कि कभी कभी क्या होगा त्रिभुज में यानी समकोण त्रिभुज में दुगो कथी दे भुजा बरोबर दे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं
ठीक है, मान लेते हैं हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इधर दिखेगा, इधर देखो तो कैमरा में दिख रहा है, आए चलो दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, मान लेते ही ई है कथी पी है, ये क्यू है कथी है आर, नाम कुछ कुछ ले रहे, कोई दिक्कत? अब इसमें ई सम कौन है ना भाई, इसमें क्या दे ले है, इसमें सब, अच्छा बताओ ई ई इसके इसके बराबर होगा, होगा रे आए, कर्ण तक बराबर हो नहीं गए, इतना ध्यान रखना है, कर्ण बराबर दिख रहा है, आप दिख रहा है, देखो तो आए नहीं दिख रहा है, तनका से इधर कर देते, अब दिखेगा, अब दिख रहा है ना, चलिए अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ये पेट निकल गया इसका कैसे रे, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या दे दिया, ई हमेशा इससे बड़ा होगा, ऐ ध्यान दो, ई जो है कर्ण है ना भाई, ये कथी है कर्ण, हमेशा इससे और इससे कथी होगा बड़ा, इससे तो इसका इसका रिलेशन बड़ा छोटा में देगा नहीं, मान लेते कि ई और ई कथी हो गया बराबर है, कथी है दोनों ही दोनों कथी है बराबर है भाई, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज में बराबर देते दुगो भुजा, तो हम जानते हैं दुगो भुजा बराबर कथी में देता है, समद्विबाहु त्रिभुज में, और यहाँ समकोण में दे दिया है, तो इसका नाम कथी हो जाएगा, इसका नाम होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो लिखेंगे हम लोग नोट में, नोट में लिखेंगे कथी लिखेंगे, नोट में कथी लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट कि यदि कथी यदि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ठीक ना, ठीक है, दो दो भुजा कथी दे, दो भुजा बराबर हो, बराबर हो तो उसे कथी कहेंगे, तो उसे समकोण समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना, यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। बोलो अब यह प्रश्न थोड़ा सा से पूछेंगे, जवाब देना, ठीक है ना, प्रश्न यह पूछा जाएगा से, सुनो क्या पूछा जाएगा से, बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है, अब बताओ एक त्रिभुज में समकोण कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कई गो हो सकता है, इसके दिमाग से क्यों बोल रहा है, सब अपन दिमाग से बोलो कई गो हो, कोई त्रिभुज है उसमें समकोण कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कई गो पॉसिबल है, यानी संभव है, बताइए, दो गो, सबको दो दो गो लग रहा है, दो दो गो, अब बताइए, तू रे नहीं बोला गुंगा आदमी, बोलो ना भाई कई गो, दो गो, देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, चाहे कोई भी त्रिभुज है, तो उसमें जो है आप लोग बताए कि समकोण का एगो पॉसिबल है दो गो, जबकि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का एगो होता है 180 डिग्री, आ तू सर दुयोग मिला दिया 180 डिग्री, दुयोग मिला दिया ना 180 डिग्री, आए आ तीसरा कहाँ गए नाच कर ले, अरे अब तीन गो पुरा दिया, वो एगो समकोण त्रिभुज में तीनों कोण अथी मतलब एगो त्रिभुज क्या बोलते, एगो त्रिभुज में तीन गो समकोण पुरा दिया, तब कितना हो जाए, एगो समकोण त्रिभुज क्या बोलते, एगो एगो त्रिभुज में जो है वो तीन गो समकोण त्रिभुज पुरा दिया, नतीया 270 डिग्री, लो होता है इसे, होता है, हैं, देखिए ध्यान रखो, ध्यान रखो एक चीज, एक त्रिभुज में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा हमेशा ठीक है समकोण की संख्या एक ही होगा, ठीक है, नहीं एक से अधिक यदि बोलेगा तो हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, आप समकोण दो गो बताते हैं तो दो गो में मिलकर 180 हो गया, तो तीसरा कहां गया नाचे, तीनों मिला के 370 डिग्री हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या हो सकता है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा एगो समकोण एगो कोई त्रिभुज में समकोण एक ही को पॉसिबल हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, यदि समकोण त्रिभुज के में दो भुजा बराबर हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत हुआ, आए एक समकोण त्रिभुज में चाहे कोई त्रिभुज है उसमें समकोण का पॉसिबल है एगो, अब यहाँ पे देखो हम लोग पढ़े थे यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्वि, भाई साहब हम जानते हैं ये हो गया कितना 90 डिग्री, कितना हो गया 90 ये कितना हो गया 90 अच्छा आई दोनों कोण कथी हो गया, दुगो भुजा बराबर है तो दुगो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा, सिंपल सी बात, अभी समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ाए थे ना, जो दो भुजा बराबर है उसके सामने वाला कोण भी कथी होगा, इसके सामने वाला कोण तो ई कोण, इसके सामने वाला ई कोण बराबर होगा,
ठीक है, बराबर होते कि ना होता ही, ठीक है बराबर होते देगा कथी कह सकलू आप समझो तभी से दोनों जो है 90 हो गया, दोनों मिला के 90 पूरा ना हमको, और दोनों बराबर भी है, बताओ कैसे 45 45 45 45 45 तो 45 डिग्री कथी है, अधिक कौन हुआ, निम्न कौन हुआ, कथी हुआ बताइए, सम कौन हुआ बताइए, 45 45 कथी हुआ, निम्न कौन, अधिक कौन, सम कौन, क्या हो गया, नहीं बोला रे, तो बोलो ना कथी होगा, से 45 डिग्री कौन सा कौन हो सकता है, न्यून कौन, अधिक कौन, सम कौन, क्या हो सकता है, पूरक हो सकता है, संपूरक हो सकता है, क्या हो सकता है, 45 डिग्री क्या हो सकता है, अनहर है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, 45 डिग्री क्या हो सकता है, न्यून कौन होगा, न्यून कौन का मतलब जीरो से 90 डिग्री के बीच, न्यून का मतलब होता है, न्यून कौन का मतलब होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच, 45 कथी हो गया, बीच में न रे, 60 का बीच में न है, 70 का बीच में न है, दिमाग कहाँ बेच दिया है, आ? कोई ना खरीदेगा तो दिमाग, तो लिख सकते हैं समकोण समद्विबाहु में, समकोण समकोण सम द्विबाहु में, ठीक ना, ठीक ना, प्रत्येक प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री कितना का होता है ना भाई, यानी लिख सकते कोण कथी, कोण इसमें हो गया कथी, कोण P बराबर कोण कथी R बराबर कितना 45 डिग्री, बोलो समझ में आया यहाँ तक, यही था आपका समकोण, ठीक है, अभी तुमको बच्चा उसको पढ़ाएंगे तो हो जाएगा थोड़ा ज्यादा लेट, तो आपको क्या करना है, ऐसे सुनो भाई, आपको करना क्या है, आपको रेखा एवं कोण चैप्टर का पहले का रिवाइज करके आना, जो जहाँ पे कोण पढ़ाए हैं ना हम, जहाँ पे कोण पढ़ाए उसको अच्छा से देख के आना, ठीक है, बहुत जरूरी है उसको देखना, नहीं तो फिर ये आगे समझ में दिक्कत हो, हालांकि हम पूरा तोड़ के समझा रहे, फिर भी एक बार देख के आना, ठीक है, इसको अच्छा से समझ के आना, अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, आना तो निकलो अब, ठीक है, हाँ फिगर सब उतारो।